मुख्य हिमालयी नदी प्रणालियों में सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली का हिस्सा है। सिंधु नदी विश्व की बड़ी नदियों में से एक है, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट में है, और यह पहले भारत और इसके बाद पाकिस्तान से बहते हुए अंततः कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। भारतीय भूभाग में बहने वाली इसकी महत्वपूर्ण अनुसंगी नदियों में सतलज, जो तिब्बत से प्रारंभ होती है, व्याप्त रावी, चिनाब और चेलम शामिल है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना अन्य महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है, जिसके प्रमुख उपथालों में भागीरथी, अलकनंदा शामिल है, जो देवप्रयाग में आकर गंगा में समा जाती है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। राजमहल पर्वतमाला से नीचे भागीरथी प्रारंभ होती है, जो अतीत में मुख्य नदी मार्ग हुआ करती थी, जबकि पूर्व की ओर पद्मा जारी रहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन शामिल है। चंबल और बेतवा इसकी महत्वपूर्ण उपसहायक नदियां हैं, जो गंगा में मिलने से पहले यमुना में मिलती है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र के थालों बांग्लादेश में मिलती है। पद्मा या गंगा के रूप में निरंतर बहती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से प्रारंभ होती है, जहां इसे तंसागपो के रूप में जाना जाता है, और भारत में अरुणाचल में प्रवेश करने तक यह दिहांग के नाम से एक लंबा मार्ग तय कर चुकी होती है। पासीघाट के निकट दिबांग और लोहित नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और यह संयुक्त नदी असम घाटी में बहती है। धुबरी से निचली धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबानसिरी, जियाभरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलडिया, मानस शामिल है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, वे अंततः गंगा में समाहित हो जाती है। मेघना की मुख्य धारा के रूप में बराक नदी मणिपुर में पर्वतीय क्षेत्र से शुरू होती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मक्कू, तराब, तुहई, चीरी, सोनाई, रुकनी, कटाखल, थालेश्वरी, लांचिनी, मदुआ और जयंतिया शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं कि बराक बांग्लादेश में भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने के स्थान तक जारी रहती है। दक्कन क्षेत्र में अधिकतर बड़ी नदी प्रणालियां सामान्यतः पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी शामिल है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप में थाले के आकार की दृष्टि से गोदावरी का दूसरा स्थान है, जो भारत के 10% क्षेत्र को कवर करता है। इसके बाद कृष्णा नदी के थाले का स्थान है। इस क्षेत्र में एक अन्य बड़ा थाला महानदी का है। दक्कन की पूरी भूमि में अरब सागर की ओर बहने वाली नर्मदा का थाला, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली कावेरी नदी का थाला, दोनों लगभग समान आकार के हैं, परंतु उनका स्वरूप और विशेषताएं भिन्न है। इन क्षेत्र में अनेक तटवर्ती नदियां हैं, जो अपेक्षाकृत छोटी हैं। इन नदियों में गिनी चुनी ऐसी हैं जो पूर्वी तट के डेल्टा के निकट सागर में गिरती है, जबकि 600 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं। राजस्थान में कुछ ऐसी नदियां हैं जो समुद्र तक नहीं जाती है, वे साल्ट लेक, लवण झील में गिरती है और रेत में खो जाती है, और सागर की ओर उनका कोई मार्ग नहीं है। इनके अलावा कुछ रेगिस्तानी नदियां हैं जो कुछ दूरी तक बहती है और रेगिस्तान में जाकर खो जाती है। ये है लूनी, माछू, रूपे, सरस्वती, बनास और घग्घर आदि। यदि हम देखें समूचे देश को 20 नदी घाटियों, नदी थाला समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से 12 बड़े थाले और 8 संयुक्त नदी थाले हैं। 12 बड़े नदी थालों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, छठवें नंबर में महानदी, सातवां पेनार, ब्राह्मणी, बैतरणी, साबरमती और माही, नर्मदा और ताप्ती है। इनमें से प्रत्येक थाले का बहाव क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का है।
आयोजन प्रबंधन के प्रयोजन के लिए 8 संयुक्त नदी थाले हैं, जो से सभी माध्यम 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर बहाव क्षेत्र वाली और लघु नदी प्रणालियों में 2000 वर्ग किलोमीटर से कम बहाव क्षेत्र वाली को उपयुक्त ढंग से जोड़ते हैं। यह है सुवर्ण रेखा थाला, जो सुवर्ण रेखा और बैतरणी के बीच अन्य छोटी नदियों को जोड़ता है। महानदी और पेनार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पेनार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, राजस्थान के रेगिस्तान में अंतरदेशी बहाव क्षेत्र, लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ताप्ती से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, और म्यांमार जिसको हम लोग बर्मा कहते हैं, बांग्लादेश में बहने वाली छोटी नदियां।